बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। जाने माने अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का गुरुवार तड़के निधन हो गया। उन्होंने 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि सतीश कौशिक महामारी के दौरान कोविड से संक्रमित भी हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज से शुरू होने वाला है। इस मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाएंगे। वह मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्वानेज के साथ स्टेडियम में दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। यह एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट होगा। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा था कि गुरुवार को हमारा पहला बजट पेश होगा, इसमें हम अपने वादे पूरे करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस संसद के उच्च सदन सीनेट की विदेश संबंध समिति ने भारत के राजदूत के लिए लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक ग्रास्टिक के नाम पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीनेट की समिति ने ग्रास्टिक के पक्ष में मतदान किया, साथ ही उनके नाम को सीनेट के पास भेज दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ताक्सी कसाई को बर्खास्त कर दिया है। ताक्सी पर कर्मचारियों के साथ अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद WHO के साथ उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ED के सामने पेश होंगी। भारत राष्ट्रीय समिति BRS MLC कविता ने बुधवार देर रात अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इससे पहले ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए समन किया था। साउथ वेस्ट दिल्ली के बसंत बिहार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने मलाई मंदिर के पास लगी रेड़ी पटरी वालों को रौंद दिया। वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI की रैली में पहले लाहौर में धारा 144 लगाकर सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रैली पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में PTI के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक लाहौर में इमरान खान के आवास के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने PTI कार्यकर्ताओं को तिरक विरक करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारी की। पुलिस की कार्रवाई में इमरान खान के एक समर्थक की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित औरत मार्च बुधवार को हिंसक हो गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रेस क्लब के बाहर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं और ट्रांसजेंडर के इकट्ठा होने पर हिंसक लड़ाई शुरू हो गई, जहां पुलिस ने उपस्थित लोगों को डंडों से पीटा और रैली को कथित तौर पर रोकने की कोशिश की। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अहमनगर जिले के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक कॉलेज का प्रिंसिपल, 2 शिक्षक शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।